हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। यार अभी तक अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या चीज़ है इन सब के बारे में बहुत कुछ देखा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको आप डेफिनेटली सीक्वेंशियली देखो, तो उससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पॉइंट चार्जेस की वजह से। तो जो पॉइंट चार्जेस होते हैं वो किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा करते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब अपन इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और कुछ बहुत खास खास पॉइंट्स अपन जानेंगे जिनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस अपन को पूछे आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, IIT JEE या फिर नीट में या स्कूल के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें अपन बताएंगे, अपन डिस्कस करेंगे, तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपन अब क्या करने वाले हैं, एक एक पॉइंट लेके उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या होगा, या ऐसी एक प्रॉपर्टी है तो इससे क्या क्या कंसीक्वेंसेस होंगे, ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक अपन ने ये चीज देखी थी कि जो चार्जेस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव चार्ज और एक कहलाता है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अपन ने एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होती है। कोई भी एक टेस्ट चार्ज आप रखोगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप रखोगे, तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्योंकि F बराबर QE करके अपन बात करते हैं, राइट। सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज के लिए अगर एक आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा इस तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जिस तरफ फोर्स लगेगी उस तरफ फील्ड आएगी। तो ये बेसिकली अपन ने चीज समझी थी अपने लास्ट वीडियो में, राइट। तो उसी के आगे अपन बात करने वाले हैं। तो मेन मुद्दा ये है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगी, और कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगी, मतलब नेगेटिव पे आके खत्म होगी और पॉजिटिव से निकल रही होगी। ये सबसे पहली बात अपन को सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि कोई भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं जब ये शुरू होंगी और ख़त्म होंगी सपोज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हो सकती है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट ही होगी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, तो बिल्कुल मन में मत रखना कि ऐसा ही होता है, इट कैन बी स्ट्रेट और इट कैन बी कर्व्ड। तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपन को समझना है कि अगर आपके पास सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा होगा तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी ये अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगने के लिए आप क्या करो, जिस भी पॉइंट पे वो पार्टिकल को आप रखोगे, चार्ज पार्टिकल को, वहां पे टेंजेंट खींच दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट खींच दो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आप टेंजेंट खींचोगे, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर अपन एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचे, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हो तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये जो चार्ज है इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, ये चीज अपन समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट उस पर फोर्स लगेगी, तो ये जो नेगेटिव है वो इस तरफ को भागेगा, लेफ्ट साइड को भागेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये आप ध्यान रखना। और अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कर्व्ड होगी, इस तरीके से कर्व्ड होगी, तो अपन देख सकते हैं कि इस पे फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट से अपन एक इंपॉर्टेंट बात ये सीख सकते हैं कि अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम एक चार्ज को रेस्ट से छोड़ते हैं तो वो क्या हरकत करेगा। इसके ऊपर HC वर्मा में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो उसको आप जरूर देखना, तो उसको समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी स्ट्रेट है, सीधी सीधी है, और उस पर अगर आपने एक चार्ज को रेस्ट से छोड़ा तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज सीधा भाग सकता है। तो चार्ज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी स्ट्रेट होगी, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होगी तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप एक चार्ज को छोड़ते हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो अगले ही मोमेंट पे ये चार्ज थोड़ा यहाँ लाइन के बाहर निकल आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है लेकिन ये चार्ज थोड़ी देर में यहाँ बाहर निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकल आएगा लाइन के। तो इसका मतलब अब इस पॉइंट पे वो किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्टेक्ट में है, मतलब जैसे कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी गुजर रही होगी, तो ये वाली उस पर फोर्स लगाने लगेगी। अब ये वाली ब्लू वाली का उस पर कोई असर नहीं रहेगा,
तो अपन की ये चीज समझनी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल गारंटी नहीं है कि रेस्ट पे छोड़ने पे इसी लाइन पे चल देगा, क्योंकि उस पर फोर्स जो है वो टेंजेंशियल लगती है, तो ये थोड़ी देर के बाद बाहर निकल जाएगा, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के संपर्क में आएगा तो वो उस पर फोर्सेस वगैरह लगाएगी। तो इन केस ऑफ कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अ चार्ज व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इट वुड नॉट मूव इन अ या इट वुड नॉट मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है, चार्ज विल नॉट मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी और दूर दूर चलेंगी, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है आप सोचो, अगर सपोज मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनाई, E1 बोल रहा हूं, दूसरी मैं E2 बनाया, ठीक है, अब अगर ये दोनों क्रॉस कर जाएं, तो अपन ने एक अभी पिछला पॉइंट क्या देखा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचो तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है किसी चार्ज पार्टिकल पे, राइट। तो यहां पे अगर मैं E2 पे टेंजेंट खींचू इस पॉइंट पे, तो वो ये ऑरेंज लाइन से मैंने दिखाया, ठीक है। सिमिलरली इसी पॉइंट पे अगर मैं E1 पे टेंजेंट खींचू तो वो पिंक कलर से मैंने ऐसा शो किया है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी एक पॉइंट पे आप बात करोगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉसिबल है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंगल डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल है, मल्टीपल डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो एक सिंगल पॉइंट पे मल्टीपल डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मल्टीपल टेंजेंट भी खींच नहीं सकते किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इफ दे क्रॉस ईच अदर देन दे हैव डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस, बट दैट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी भी, या कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो पैरेलल मूव कर सकती है अगर एक चार्ज से निकल रहा हो इस तरीके से कुछ, राइट, लेकिन वो काटेंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को, तो इसको ध्यान रखना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आपको दिखाई गई है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी ज्यादा डेंस है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे एक एरिया इमेजिन करो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इमेजिन करो, और उसमें सोचो कि कितनी सारी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो आप देखो कि बहुत सारी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, लाइक यहाँ पे 4-5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है इस एरिया से, राइट। लेकिन आप यहाँ पे उतना ही बड़ा इमेजिन करो एरिया, तो इस एरिया में से आप देखो कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है, 1, 2, 3, राइट। तो इस साइड में 3 गुजर रही है, जबकि यहां वाले एरिया से 4-5 गुजर रही है। तो अपन को एक पॉइंट ध्यान रखना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा घनी होंगी, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं, वो भी ज्यादा होगी। जबकि दूर जब जाओगे आप तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई, तो वहां पे उस केस में जो डेंसिटी है वो कम है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी लेसर इन कंपेरिजन टू दिस रीजन। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था E = KQ/R², राइट। तो अगर R ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, जितना ज्यादा आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, उसी को अपन इन लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर R कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वहां पे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से अपन को सीखनी है कि अगर कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सपोज ये वाला चार्ज 2Q है और ये वाला चार्ज Q है, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा निकल रही होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, जिसका चार्ज ज्यादा उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, जिसका चार्ज कम उसके लिए हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि चार्जेस किस टाइप के हैं, कैसा नेचर है, कौन ज्यादा है कौन कम है, हम क्वालिटेटिवली बात कर सकते हैं, राइट। तो पॉजिटिव से हमेशा निकलती है, नेगेटिव में हमेशा खत्म होती है। तो यहाँ पे देखो, जब दो पॉजिटिव चार्जेस आप बनाओगे ना, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे दूर भागेगी, क्यों, क्योंकि वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, इसलिए ऐसा ऐसा रिपल्सिव नेचर की वजह से ऐसी फील्ड लाइन्स बनती है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे खाली है, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ, कि किस तरीके से इस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं, इससे कितनी दूरी पे ये पॉइंट होगी, यहाँ पे फील्ड जीरो होगी, फिर यहाँ पे फील्ड का वेरिएशन किस तरीके से होगा इनके बीच में या इनके दूर, वो भी अपन देखेंगे आगे कुछ वीडियोस में, ठीक है। सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस एलिमिनेट होती है, खत्म होती है, और एक पॉजिटिव से निकलती है। तो जब ऐसा कुछ डायग्राम बनाओ तो इसको देख के आप सोच सकते हो, ये नेगेटिव पे देखो कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, मतलब इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इससे रिलेटिवली कम फील्ड लाइंस निकल रही है। जैसे यहाँ देखो सिर्फ 4 ही निकल रही है, जबकि इसके यहाँ पे कितनी सारी निकल रही है। तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव वाले से
ज्यादा है, ये चीज अपन मोटा मोटी बता सकते हैं इसको देख के। तो इन कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, बहुत आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं अपनी पॉइंट चार्जर के कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है, क्या क्या नेचर होता है, तो इनको आप डेफिनेटली ध्यान रखना। अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट चार्जेस की ही और क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है, ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। प्लस पॉइंट चार्ज से अपन जाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, जैसे एक तार है, ठीक है, उस तार पे जब चार्जेस रखे होंगे या तार जो है उसको अपन ने चार्ज कर दिया किसी तरीके से, तो अगर एक चार्ज्ड वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, फिर इसी को अपन रिंग बना लेंगे, रिंग की वजह से कैसी होगी, ये सब अपन आगे के वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया लीनियर चार्ज। फिर अपन देखेंगे अगर कोई शीट है अपने पास, एक पेपर जैसी शीट है, उसमें अपन ने चार्ज भर दिया तो उसकी वजह से फील्ड कैसी होती है वो सब भी जानेंगे। फिर हम 3D में चलेंगे, जैसे स्फीयर्स वगैरह है उनमें जब हमने चार्ज भर दिया तो किस तरीके से फील्ड्स वगैरह आती है, कितनी आती है, वो सब भी हम एनालाइज करेंगे, डेराइव करेंगे, राइट। तो इन सब के लिए आप देखते रहना। और एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा होती है पता, जैसे क्वेश्चंस भी हमको पूछे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है रैदर देन फोर्स। तो अगर आपको किसी भी चार्ज बॉडी, चार्ज ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर फील्ड पता है किसी पॉइंट पे, तो किसी भी दूसरे बॉडी पे उस पॉइंट पे फोर्स कितनी लगेगी इसकी वजह से, सोर्स की वजह से, वो अपन पता लगा सकते हैं एफ बराबर क्यू ई की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फोर्स पता लगा सकते हैं फील्ड के थ्रू, इसलिए फील्ड को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में मैं और वीडियोस बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। और इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू, बाय बाय।